कहते भैया इनकी गृहस्थ में पुरुष लोग को कथा छोड़ दो, कहते गुरुदेव का जो माताएं मतलब जो लड़कियां वो भी इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, इनकी कथा भी अद्भुत है। आप लोग जानते हो उनके शिष्या को अंतर में इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए गुरुदेव ऐसे उन्होंने प्रचार किया, ऐसे प्रचार की जैसे बताया था ना कि तत्स्तोत्र के साथ दुनिया को उन्होंने कृष्ण भक्ति रंग में रंगा दिया। और गुरुदेव का जो भावना है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता और श्री, श्री मतलब होता है सौंदर्यता। मैं जब सबसे पहले मैं मथुरा में आया उस समय ठंडा का समय था, मैं आया पुरी से, जब गुरुदेव को देखा, गुरुदेव का फोटो देखो, जब गुरुदेव को देखा ना मैंने सोचा तो ये कोई भारतीय या कोई अंग्रेज है। और उनका जो आंख को देखो, आंख में जो पुतला देखो, अक्सर कर सब काला काला होती है, लेकिन गुरुदेव का पुतला देखो रंग कैसे बता नीले नीले है। इसलिए जब मैं गुरुदेव को देखा मैंने कहा ये भारतीय भी कोई विदेशी है, मतलब गुरुदेव का रंग देखने में इतने सुंदर, गुरुदेव का रंग देखने में थे। और गुरुदेव जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, कितने उम्र में संन्यास लिया है, 26 साल उम्र में लिया है, उसी तरह गुरुदेव भी उन्होंने भी 26 साल अवस्था में जैसे श्रीमान महाप्रभु अपना विष्णु प्रिया को छोड़ करके, इतने सुंदर विष्णु प्रिया को छोड़ करके महाप्रभु संन्यास लिया, जब श्री गुरुपाद पद्म आए सबसे पहले कहा आए नवद्वीप में। देखो शिष्यों के साथ में गुरु जी का कितना संबंध है, उनने कोई पत्र नहीं लिखा मैं आ रहा हूँ नवद्वीप में, लेकिन हमारे भक्ति प्रख्यात केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज को बोले एक तिवारी नाम कोई एक व्यक्ति आएगा, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का कोई सुविधा नहीं था, वो रात में आएगा, इसलिए महाराज सोच रहे थे मैं जब आऊंगा तो जाऊंगा ब्राह्मण को देखा ही नहीं, तो बोले सुना ही यहाँ पर गौरिया बैठे, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के हृदय से देखो जैसे नित्य संपर्क है शिष्य और गुरु जी की, इन्होंने पहले से ही बामन गोस्वामी महाराज को भेज दिया। और जो महाराज जी जब नवद्वीप रेलवे स्टेशन से उतर पड़े ना, अफ्रीका कोई वहां इलेक्ट्रिक नहीं था, वो सोच रहे थे कहां जाना क्या करो, किसने आकर बोला तिवारी है कोई, तिवारी कौन है तिवारी, गुरुदेव बोले भैया तिवारी कौन बोल रहे, तिवारी हाँ वो तिवारी ब्राह्मण वैसे बोले तिवारी कौन है, तिवारी कौन बोल रहा है, तो बोले मैं तिवारी हूँ, आप कहाँ से आए, बोले गुरुदेव ने आपको लेने के लिए हड़की बताया ना लंठन, हाँ वो लेकर के आए, तो अब उसको सुनकर गुरुदेव तो रोने लगे, बोले मैं तो कोई पत्र ही नहीं लिखा, लेकिन गुरुदेव स्वयं मेरे को यहाँ देने के लिए गुरुदेव स्वयं यहाँ पर भेजे। इसलिए गुरुदेव जब आ गए, उनकी पत्नी, इनकी पत्नी मैंने देखा है एक बार मथुरा में आए थे, क्या गुरुदेव का रंग तो देखो कितने सुंदर है, उनको जो पत्नी का जो शरीर का रंग है ना इससे ज्यादा सुंदर, इतने सुंदर उनकी पत्नी थी, अद्भुत थी, मैंने देखा उनको पत्नी को, जैसे महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़ करके जैसे उन्होंने गए उसी तरह गुरुदेव भी उन्होंने अपना पत्नी को इतना उम्र में 26 साल में, और दो उनकी छोटी छोटी बालिका थी, लड़की थी, आपको अब तो हिंदू है आपको पता होगा हिंदू लोग छोटी छोटी दो बच्ची है, पत्नी और घर में कोई नहीं, कोई पति छोड़कर जा सकता है, इसलिए गुरु जी का अंदर में महाप्रभु का जो आदर्श है ये संपूर्ण रूप में महाप्रभु का आदर्श को गुरु जी को जीवन में दिखाई पड़ता है। जब फिर उनका परिवार लोग लेने के लिए आए, जब लेने के लिए आए इनको तो लेकर गए, लेकिन गुरुदेव जा करके सारा रात पत्नी को उन्होंने हरी कथा सुनाई, और उन्होंने पत्नी को हरी कथा सुना करके फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर आ गए मंदिर में आ गए, और उन्होंने गुरु जी की जो सेवा किया महाराज ने, इसलिए कहते इनका नाम क्या था, बोले नारायण, इनका नाम क्या था, सर नारायण भक्ति वेदांत सर नारायण गोस्वामी महाराज, कहते जो नारायण जो शब्द है, कहते जो घर में इनका भी नाम था नारायण, जब उन्होंने ब्रह्मचारी ग्रहण किए उनका नाम हो गया गौर नारायण, जब उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया क्या नाम था, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, एक समय वैष्णव गौर रहते वास्तव रूप में नारायण है, बोले कैसे, बोले नारायण का मतलब क्या है, बोले नर मतलब होता है जितने जीव, और अयन मतलब होता है आश्रय, इसलिए भगवान का नाम नारायण सब जीव को जिसने आश्रय देते हैं, सचमुच से उन्होंने कोई उन्होंने पेरा पेरा नहीं सोच करके उन्होंने संपूर्ण विश्व के लोगों को उन्होंने अपना चरण में आश्रय दिया। अब तो देखे होंगे जिस समय गुरुदेव हरि कथा करते थे कितने एक साथ में 30-25-40 संन्यास एक साथ में गुरु जी के चरण में बैठते थे, कोई भी गुरु जी के पास न आए गुरुदेव का उन्होंने पराया नहीं सोचा, संजय प्रभु बता रहे थे ना गुरुदेव ने इसको अपने पराया नहीं सोचा, सबको वो अपना समझते थे। अब गुरु जी के अंदर में विशेष बात मैंने पास से रखकर देखा, जब गुरुदेव किसी से बात करते ना उनको लगता था
गुरुदेव से आज हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जितने उनको गुरुदेव ऐसे शब्द से आपने बात करने लगता था, गुरुदेव मेरे को छोड़ गए और ज्यादा किसको प्रेम किसी को ज्यादा करते नहीं, क्योंकि ये गुण किसके अंदर में होता है, और सबके अंदर में गुण नहीं होता है, केवल महापुरुष के अंदर में ये गुण होता है। इसलिए नारायण मतलब है समस्त सारे जीवों को जो आश्रय है। नारायण का दूसरा अर्थ है नर मतलब होता है रस, और अयन मतलब होता है आश्रय, जो संपूर्ण रस का आश्रय। आप लोग श्रवण कर रहे थे ये गौड़ीय वेदांत समिति का तीन पिलर थे, भक्ति वेदांत सर नारायण गोस्वामी महाराज, बाबा गोस्वामी महाराज, गोस्वामी महाराज, कभी तीन पिलर रूप में संपूर्ण ये गौड़ीय वेदांत समिति टिका हुआ था। इसलिए तीनों को तीन रूप देते हैं, कहते श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज को कहते हैं ये ब्रह्मा है, बोले ब्रह्मा जी का काम किया बोले सृष्टि करना, क्योंकि वही पहले ये दीक्षा मंत्र यही देते थे। कहते हैं शंकर जी का काम क्या बोले संहार करना, कहते श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को संहार का स्वरूप देते थे। क्यों? उनने कठोर पानी को द्वारा अपना हृदय से, अभी हमारे ये प्रभु बोल रहे थे गणेश तो प्रभु बोले तब भी तुम शादी नहीं करना, कल बता रहे ना, इसलिए वो ऐसे ऐसे पानी खोल देते ना, उनकी कथा सुनना सभी से ब्रह्मचर्य में दिया होगी, ऐसे ऐसे ये कथा सुनाते थे। और भक्ति वेदांत हमारे नारायण गोस्वामी महाराज इनको स्वरूप देते थे, कहते ये सिर्फ यहाँ टीका के सिर्फ पालन करने वाले नारायण, सबसे कुछ ये नारायण है, क्योंकि सब जीव को, इसलिए अगर महाराज जी नवद्वीप परिक्रमा से अगर किसको देखते ना कोई छोटा नया बच्चा आया है, गुरुदेव उसको साथ में लिया मथुरा में ले आते थे, और मथुरा में लाकर गुरुदेव उनको सारे शास्त्र भागवत गीता वेद पुराण गुरुदेव सबको उन्हें सब शिक्षा देकर उनको ट्रेन करते थे। सचमुच से महाराज के अंदर में ऐसे उनका अंदर में प्रभुता थी। एक गुरु भाई ना, अब देखो आप गुरु जी को सम्मान कर सकते हो, एक गुरु भाई को सम्मान करना बड़ा कठिन था, तेरे पैर सब फर्क किया है, हम गुरु भाई है, लेकिन हमने देखा उनका जो गुरु भाई भक्ति वेदांत परिजन महाराज, वहां पर आचार्य महाराज, सन्यासी महाराज, उनको जो गुरु भाई थे हमने देखा, उनको साष्टांग प्रणाम करते थे, उनको साष्टांग प्रणाम करते थे महाराज जी को जिस समय हम पहले आए, क्योंकि गुरुदेव के पास में जितने उनको समिति में जितने संन्यास सबके सब गुरु जी के पास में सबके सब इन लोगों ने हरिकथा सीखे है, और हरिकथा सीख करके दुनिया में उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया है, इनको गुरु भाई लोग भी इनको प्रणाम करते थे। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज इनसे सीनियर है, हम जो मथुरा में रहते थे ना, वो छुप करके महाराज का जो प्रणाम करता था वो आकर जब कोई नहीं होता तो प्रणाम करते थे, हमने खुद ये चीज को देखा, मतलब महाराज जी को अंदर में ऐसे आचार्य तो, इसलिए कहते हैं आचार्य किसको कहते हैं, बल्कि उसके अंदर में दो गुण होनी चाहिए, कहते आचार करने के ना करे प्रचार, और प्रचार करने के ना करे आचार, और आचार प्रचार नामे कह दुर्गा क्यों, कोई व्यक्ति आचरण नहीं करता है प्रचार करना है, कोई प्रचार करना है कोई आचरण नहीं करना है, लेकिन गुरु जी के अंदर में ये दो चीज पूर्ण रूप में गुरु जी के अंदर में हमने देखा। गुरु जी का हमने भी बहुत दिनों सेवा किया महाराज जी को, मैंने कुछ दिन जब से माधव महाराज कहीं चले जाते थे ना, तब मैं गुरु जी को घर में भी कभी कभी विश्राम किया, गुरुदेव कैसे करते थे देखो, भले ही गुरुदेव जितने बार विश्राम करना कर लेते गुरुदेव, देखा जन्माष्टमी का दिन सब कभी कभी एक दो बज जाता था, तभी भी मैंने देखा गुरुदेव एकदम अपना ढाई तीन बज सक जाएगी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करके पास में हाथ हाथ मुंह को धो लेंगे और खटिया पर बैठना है, बैठकर माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब तो गुरुदेव एक लाख हरिनाम पूरी नहीं कर देते हमने देखा, तब तक गुरुदेव कुछ भी भजन भोजन नहीं करते थे, पूरा एक लाख हरिनाम करते थे, फिर सारा दिन में और एक लाख हरिनाम फिर गुरुदेव करते थे। कि इतना नहीं गुरुदेव इतने स्वयं कह रहे थे, उनका मुंह से हमने सुना है, एक दिन गुरुदेव बोल रहे थे जैसे छह गोस्वामियों का जो अष्टक है, बोले संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी काला बसान कृतो निद्रा आहार विहार कादि विहितो चरतंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सर्वहितो बंदे रूप सनातन रघुजी को श्री जी गोपाल को गुरुदेव।